देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखे वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड की खबरें। वैशाली जिला अंतर्गत भगवानपुर थाना क्षेत्र के अड्डा चौक के पास पुल पर पटना से पैदल जा रहे लोगों को भगवानपुर पुलिस एवं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रक पर लोगों को बैठाकर उनके घर को भेजा। सभी अररिया जिला के हैं। जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के अड्डा चौक के पास पुल पर सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के बाद पटना से पैदल जा रहे लोगों को भगवानपुर पुलिस ने आरजेडी के नेता केदार यादव के नेतृत्व में हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के भगवानपुर अड्डा चौक के पास पुल पर सभी लोगों को चाय नाश्ता एवं भोजन करवाकर ट्रक पर बैठाकर उनके घर अररिया जिला भेजा गया। मोहम्मद नदीम रब्बानी के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट। किस तरीके से क्या हुआ क्या है सभी सर? बाहर से कमाने वाले बिहार के बहुत से मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। अभी तक हमारा 2,16,000 मजदूर कलकत्ता, रांची, असम, तमिलनाडु, दिल्ली, पांडिचेरी, गोवा में फंसा हुआ है। कई लोग का मुझे मैसेज आ रहा है, फोटो आ रहा है, टीवी पर भी सुनने को मिल रहा है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत से गाड़ी ट्रेन बंद है, जहाज बंद है। अब लोग को भुखमरी की स्थिति हो गई है। परिजन लोग फोन कर रहा है कि मेरा बेटा मर गया, भाई मर गया, इसको अलग दुख है। इस कारण से लोग पैदल आ रहे हैं। तो मानवता एक चीज़ है, कोरोना वायरस का डर है लोगों को। तभी लोग पैदल लोग आ रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। कुछ लोग को नाश्ता किया गया, पानी पिलाया गया है और लोगों को जाँच कराया गया। और जाँच करने के बाद गाड़ी रोक के यहाँ पर प्रशासन के भी लोग आए थे, जाँच करा कर उनको गाड़ी में भेजा दिया गया है कि लोग सुरक्षित जगह पहुँच जाए। हम लोग कर्तव्य है सुबह से शाम तक। अब एक ये लोग कहाँ से आ रहे थे? कि कलकत्ता से कुछ लोग आए हैं, कुछ आपको दिल्ली से आ रहे थे, अररिया के रहने वाले लोग हैं। तभी चढ़ा दिया, सभी अररिया के लोग हैं, सब कमाने वाले मजदूर हैं। इन लोगों का पैसा नहीं था तो हम लोग अपना तरफ से पैसा भी दिया हूँ, जाओ खाना पीना और कुछ नाश्ता भी करा दिया हूँ। और आगे भी मेरा काम है कि इन लोग का सहयोग करते रहे। अब जहाँ से कि लोग आते हैं, हमारा एक दायित्व होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण कि, और वैशाली जिला नारी परिषद के अध्यक्ष केदार यादव मैं हूँ। हम जाते दिन भर हम लोग का सेवा करते हैं और अभी भी लगभग 5 दर्जन से ऊपर लोग मजदूर लोग का सेवा कर चुका हूँ। खाना पीना का व्यवस्था आपके तरफ से? मैं अपने तरफ से घर से बना के लाते हैं, लोग दाल भात सब्जी खिलाते हैं, यही मेरा काम है। चूरा दही का प्रोग्राम और अगला चूरा दही भी खिला रहा हूँ और लोग को पैसा नहीं, पैसा भी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।